बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि आप भाइयों का काफी कमेंट आने लगे। हालांकि पहले मैं ना यूजेबल की मोबाइल आपके साथ आईफोन की ज्यादा शेयर करता थी। अभी भाई आप भाइयों का काफी कमेंट आते हैं सैमसंग को लेकर और हवावे को लेकर भी। तो आज की वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा सैमसंग का लेटेस्ट मॉडल है जी, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। अभी तो भाई ये न्यू के प्राइस भी इतने ज्यादा डाउन नहीं हुए हैं, यानी कि सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा यूजेबल में अवेलेबल है। आप भाइयों के साथ इसकी कंडीशन और इसके प्राइस शेयर कर देता हूं। बाकी आप भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं ये कितने तक का होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो फिर सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा के साथ। यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं सैमसंग वालों का सैमसंग नोट 20 अल्ट्रा यूजेबल में है, इस्तेमाल शुदा में है, सऊदी अरब की मार्केट वगैरह में इस कंडीशन का मोबाइल कितने तक का सेल हो रहा है। आप भाइयों के साथ डिटेल शेयर कर दूंगा। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं इसके प्राइस को लेकर। सबसे पहले मोबाइल की कंडीशन देख लेते हैं और इसके प्राइस वगैरह भी इससे भी आपको अपडेट करता हूँ। ये यूजेबल है, हालांकि ये मार्केट में अभी भाई न्यू के प्राइस भी इतने ज़्यादा डाउन नहीं हुए हैं, लेकिन ये यूजेबल में अवेलेबल था। मैंने सोचा आप भाइयों के साथ इसकी वीडियो भी शेयर कर दूँ। अगर इसके डिस्प्ले की बात करूँ 6 और 9 इंच, यानी कि आप 7 इंच के बोर ने यार एक लार्ज टाइप यानी कि बड़े टाइप का डिस्प्ले रखा गया है। फुल डिस्प्ले है, साइडों से कर्व है। हालांकि पहले मोबाइल में भाई 5.5 इंच का डिस्प्ले होता था, लेकिन फिर भी काफी बड़ा लगता था, लेकिन उनमें भाई ऊपर और नीचे स्पेस छोड़ी जाती थी। अभी लेटेस्ट मॉडल में स्पेस खत्म कर दी गई है, अभी तो भाई डिस्प्ले कर्व भी कर दिए गए हैं। अगर बैक कैमरों की बात करें तो भाई इनके मिरर वगैरह अच्छे से मैं चेक कर रहा हूँ, इनमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। अगर इतने ज्यादा प्राइस हम लगा रखे हैं तो भाई बैक कैमरों के ऊपर भी अच्छी खासी नजर रखिएगा। इनके मिरर के ऊपर कोई भी किसी किस्म की अगर आपको खराश फील हो तो उसका रिजल्ट चेक कीजिए कैमरा चलाकर, क्योंकि भाई खराश या कोई भी दाग से कैमरे का रिजल्ट खराब हो जाता है, मोबाइल की कीमत आधी रह जाती है। नीचे सैमसंग लिखा हुआ है वही जो भाई अच्छा। नीचे भाई आपको चार्जिंग की जगह स्पीकर ग्रिलिंग इसमें मिल जाएगी। स्पीकर ग्रिलिंग में हल्की फुल्की धूल मैं देख रहा हूँ, लेकिन कोई मसला नहीं है जी। चार्जिंग की जगह में बिल्कुल ओके है, मोबाइल रिप्लेसमेंट नहीं है जी, कोई भी किसी किस्म की इसमें रिप्लेसमेंट नहीं की गई है। लेकिन डिस्प्ले के ऊपर भी खास नजर रखिएगा, कोई किसी किस्म का डिस्प्ले में भाई चोट का निशान नहीं होना चाहिए। वैसे मैं साइडों से भी कोनों से भी इसको देख रहा हूं, चेक कर रहा हूं, वॉल्यूम अप डाउन पावर ऑन ऑफ तमाम तर मैं डिटेल इसकी भाई आपके साथ शेयर भी कर रहा हूं और चेक भी कर रहा हूं खुद से कि इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है कि भाई ये ब्लैक कलर में था, ये इसीलिए सेल किया गया है। अगर ये गोल्ड कलर में होता तो मेरे हिसाब से हमें भाई गोल्ड कलर में ये मिलता ही नहीं फिर यूजेबल में। ब्लैक कलर इतने ज्यादा भाई फेमस नहीं रहा है, नोट सीरीज क्या किसी भी मोबाइल में ब्लैक कलर इतना ज्यादा फेमस नहीं माना जाता है। अगर भाई इसके रैम की बात करें तो आपको इसमें 12 GB रैम मिल जाएगी। स्टोरेज की बात करें 128 GB, 256 GB, 512 GB, 3 स्टोरेज इसमें अवेलेबल हैं। अगर बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की इसमें भाई ओरिजिनल सैमसंग की तरफ से बैटरी आती है, जो कि मेरे हिसाब से बेस्ट है जी। 180+4K आप वीडियो 8K तक वीडियो भी आप इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेन कैमरों की बात करें तो आपको 108 MP का इसका मेन कैमरा प्लस 12 MP के 2+10 MP का 4 कैमरों का सेटअप रखा गया, साथ में फ्लैश लाइट वगैरह रखी गई है। और अब की कर लेते हैं इसके प्राइस के मुतल्लिक बात। तो ये शॉप वाला इस वक्त इसके 3000 रियाल मांग रहा है, तो मेरे हिसाब से तो मैंने उसको बोला इसमें कोई प्यार मोहब्बत बोलता नहीं, हमारे प्राइस कन्फर्म होते हैं। तो मैंने उसको बोला भी यार ये न्यू के प्राइस काफी डाउन है, तो वो मेरे को बोल रहा है आप न्यू ले ले। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं कि ये कितने तक का होना चाहिए। किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।